फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मनाली। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइटर आदित्य। तो अपनी लद्दाख सीरीज चल रही है, तो आज हम लोग मनाली से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, जो कि 600 किलोमीटर है। तो चलिए चलते हैं, निकलते हैं। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और दिल्ली यहाँ से 600 किलोमीटर है, तो आराम से 12-13 घंटा तो आराम से जाएगा। चलिए फटाफट आपसे मिलते हैं बाइक पर। हाँ जी, तो अभी हम लोग मनाली से निकल रहे हैं। हल्की हल्की बारिश हो रही है अभी, तो रेनकोट ये सब डाल लिया है और गोप्रो को शायद बैग में डालना होगा, कहीं बारिश तेज ना हो जाए। चलिए फटाफट निकलते हैं यहाँ से, मिलते हैं आपसे रास्ते में। तो ये मनाली की गलियों से होते हुए हम लोग ओल्ड मनाली में रुके हुए थे। आराम से हम निकलते हैं दिल्ली के लिए। काफ़ी अच्छी जगह रहने के लिए, सब कुछ की सुविधा है यहाँ पे। एटीएम, वेटीएम, दवाई दुकान, बाइक आप रेंट पे ले सकते हैं लेह लद्दाख करने के लिए। और सामने ही है माल रोड, शॉप सब अभी बंद है। कल रात में हम लोग गए थे, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। चलिए अब निकलते हैं यहाँ से दिल्ली की तरफ। बारिश हो रही है तो गोप्रो को मैं अंदर डालूंगा। अब हाँ जी, तो बारिश कम हो गई है, अभी हम लोग निकल रहे हैं कुल्लू होते हुए जाएंगे। कुल्लू यहाँ से वही 40 किलोमीटर के करीब है। और इधर देखिए, पूरा बादल बादल किए हुए हैं, शायद आगे बारिश मिले या ना मिले, लेकिन उधर धूप भी निकल रही है। काफ़ी सही वेदर है, प्लेजेंट वेदर है एकदम राइडिंग के लिए। कल हम लोग गए थे हिडम्बा टेम्पल, उसके बाद वीर घटोत्कच मंदिर गए थे और श्याम मंदिर गए थे। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा श्याम मंदिर का, जहाँ जब हम लोग गए तो आरती वारती ये सब हो रही थी और रात हो गई थी, तो ज़्यादा ब्लॉग नहीं कर पाया। आराम से अपना खुद का पर्सनल टाइम लिया। तो यहाँ से दिल्ली 574 किलोमीटर दिखा रहा है, एक्सपेक्टेड अराइवल 8:40 रात का दिखा रहा है। वैसे वहाँ होटल बुक हो गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम आराम से 10 बजे भी पहुँचेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए क्या प्लेजेंट वेदर, काफ़ी सही है। और कुल्लू में तो और भी सही वेदर रहता है। अभी तो ये लेह लद्दाख का अपना रोड ट्रिप था, इसीलिए ज़्यादा कुछ यहाँ एक्सप्लोर नहीं हो पाया या कुल्लू नहीं जा पाए। एक बार अलग से टाइम निकाल कर कुल्लू ये सब के लिए वापस आएंगे। फुल हॉन्टेड मूवी वाली सीन आ रही है, देखिए दोनों साइड जंगल जंगल और बीच से हम लोग जा रहे हैं। ये देखिए, कुल्लू की तरफ जा रहे हैं हम लोग। कुल्लू यहाँ से 4 किलोमीटर रह गया है और मेरे राइट साइड में देखिए ब्यास नदी बह रही है और दिल्ली अब यहाँ से है 545 किलोमीटर। तो अभी हम लोग कुल्लू से ब्रेकफास्ट करके निकले हैं, पराठा दही, और बारिश होने लगी है। एक्सपेक्टेड अराइवल 10:45 रात के बता रहे हैं, 548 किलोमीटर है अभी, आगे पूरा बादल लगा हुआ है। तो बारिश के वजह से तो बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन आज किसी भी कीमत पे दिल्ली पहुंचना ही होगा।
इधर सेब के साथ साथ अनार की भी काफी अच्छी खासी खेती होती है। हम लोग दियार पहुंचे हैं, देखिए दोनों पहाड़ के बीच में जो बादल है क्या परफेक्ट लग रहा है, लग रहा है कि पेंटिंग पूरी बनी हुई है, ड्राइंग किया गया है उसको अच्छे से। यहाँ से चंडीगढ़ 252 किलोमीटर है। ये सीन कुछ गजब है, देखिए क्या ग्रीन पहाड़ है, क्या ग्रीन पहाड़, और उसके बीच में ये सुंदर सा हाईवे। ओ हो, क्या मनमोहक दृश्य है, गजब लग रहा है। और इधर टू लेन ही हो गया है। दिल्ली 474 दिखाना। क्या गजब लग रहा है, बादल गजब, वहाँ पे लगता है कि वहाँ पे कोई उसको हैवी क्विक से चिपका दिया है पहाड़ पे। बहुत ही औसम है। ये देखिए लैंडस्लाइड, पूरा उधर का लेन ही गया। और ये देखिए टनल, यातायात सुरंग। यहाँ पे टनल हुआ खत्म। टाइम अपडेट है कि 7 बज रहा है और अभी हम लोग अंबाला पहुंचे हैं। बारिश इतनी ज्यादा था कि पूछिए मत। तो हम लोगों ने प्लान किया है कि अभी हम लोग पानीपत में स्टे करेंगे आज, जो पानीपत यहाँ से 116 किलोमीटर है, 2 घंटे दिखा रहा है। तो हम लोग 9 बजे तक पहुंच जाएंगे आराम से। तो आज का स्टे पानीपत में करेंगे, फिर कल देखेंगे कि कल लखनऊ पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं, जैसा होगा। यहाँ पे हुआ है एक तगड़ा वाला एक्सीडेंट, देख सकते हैं आप लोग। कहाँ भैया,